सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। और आज कोरोना महामारी के चलते सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अपने घर पर अध्ययन कर सकते हैं, जिससे उनका अध्ययन सुचारू रूप से चल सके। इसी के माध्यम से सब्जेक्ट अपना संस्कृत है और संस्कृत में प्रकरण है पहला समास। सबसे पहले समास की परिभाषा, तो परिभाषा में सम सनम समास है। शाब्दिक अर्थ में समयानी समान, समयानी भक्ति, समान भक्ति हो वही क्या होता है समास। मुख्य रूप से समास छह प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है अव्ययी भाव समास, नंबर दो पे तत्पुरुष समास, नंबर तीन पे क्रमधारय समास, नंबर चार पे बहुव्रीहि समास, नंबर पांच पे द्विगु समास और नंबर छह पे है द्वंद्व समास। समास क्रम से याद होने चाहिए और समासों में उनकी विभक्ति, उनकी पहचान और शब्द सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। जैसे पहला है अव्ययी भाव समास परिभाषा। इस समास में जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होना चाहिए, यानी उपसर्ग, तथा दूसरा पद या उत्तर पद संज्ञावाची होता है। जैसे समास क्या है, समास में जो पहला पद आता है वो आता है सामासिक पद। सामासिक पद दो पद से मिलता है, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, यही दोनों पदों को मिलाते हैं तो सामासिक पद बन जाता है। पूर्व पद होगा अव्यय पद तथा उत्तर पद संज्ञावाची। अगर दोनों मिलाते ही सामासिक पद का निर्माण हो जाता है। जैसे अब अव्ययी भाव समास में न्यून पद है, अव्यय पद और उनके अर्थ नीचे दिए गए हैं। जो पहला है अनु, अनु का शाब्दिक अर्थ है पीछे। इसमें विभक्ति आएगी षष्ठी और वचन आएगा एक वचन। दूसरा पद सह, सह का शाब्दिक अर्थ सात, विभक्ति आएगी तृतीया और वचन का प्रयोग होगा एक वचन। तीसरा पद है उप, अर्थ इसका समीप या पास में, विभक्ति षष्ठी और एक वचन का प्रयोग। चौथा शब्द नील, अभाव या कमी, षष्ठी को क्या प्रयोग, ए पर आएगा एक वचन या बहुवचन। यहां इसलिए लिखा है क्योंकि इनके अर्थ के आधार पर हम इनका एक वचन और बहुवचन में लेंगे। पांचवा है प्रति, प्रति का अर्थ बार बार या की ओर, विभक्ति द्वितीय और एक वचन की आवर्ती होगी, आवर्ती का मतलब इसको दो बार लिखना पड़ेगा। छठा है यथा, जैसे के अनुसार, विभक्ति आएगी द्वितीय और एक वचन का प्रयोग। सातवां है अधि, अधिकार या तो में या के अंदर, विभक्ति सप्तमी और एक वचन का प्रयोग। अब इनमें उदाहरण के अनुसार हम समझेंगे कि किस प्रकार से कह जाया। जैसे जो पहला अव्यय पद है अनु, अगर अनु को समझते हैं तो उनमें सबसे पहले इसकी परिभाषा होना चाहिए, किस प्रकार से कौन से शब्द आते हैं और कौन कौन से शब्दों में कौन कौन विभक्ति आती है। जैसे यदि अनुपसर्ग पूर्व पद में हो तो
समास विग्रह है, करते समय उत्तर पद की षष्ठी विभक्ति और वचन दे रखा है एक वचन का प्रयोग करने के बाद पश्चात इति शब्द जोड़ने पर समास विग्रह है, हो जाता है। ज्यादा इसमें मुख्य चीज यह है कि अनुपात उत्तर गए तो उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे और जो बोलेगी षष्ठी वह उत्तर पद की होगी। मुख्य सारांश इसी का यही है। जैसे उदाहरण जैसे अनुचर, ये जो पद है वह सामासिक पद है और सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अलग करते हैं। जब दोनों का अलग करते हैं तो इसमें पूर्व पद आ जाएगा अनु तथा उत्तर पद आ जाएगा चर। ये अनु एक अवयव पद है और चर है संज्ञा पद यानी उत्तर पद। अगर इसका विग्रह करेंगे तो उस समय उत्तर पद की षष्ठी विभक्ति एक वचन और ये जो रूप चलेंगे वह राम की तरह चलेंगे। सभी पुल्लिंग में है तो राम की तरह, स्त्रीलिंग में लताई की तरह, और जो नपुंसक शब्द है वो चाहे फल की तरह चला लो। अब इसमें आ जाएगा षष्ठी एक वचन हो गया, चरस से अभी भी जोड़ेंगे पश्चात इति। इस प्रकार से समास विग्रहपन कर सकते हैं। जैसे दूसरा अनुरत, विग्रह करने का तरीका सबका एक आएगा। जो पूरा पद है वह अनु है, उत्तर पद है रथ है। अब इसमें जो उत्तर पद है उसकी विभक्ति रथ से उसके बाद में पश्चात उसके बाद में इति, सब चाहे कौन सा भी हो लेकिन इसमें इसी प्रकार से आपको विभक्ति का प्रयोग करके समास विग्रह करना है। ये तो हो गया साधारण सा। अगर इसमें शब्द बता सकते हैं तो एक कभी कभी क्या होता है कि जो शब्द होते हैं वो विच्छेद करने पड़ते हैं। जैसे शब्द है अन्वाकार, अब तो यहां न है वह हलंत है यानी आता है, जो बात का वर्ण आ रहा है वह है। अब इसमें अनु शब्द स्पष्ट गवा नहीं है, अगर ऐसा हो तो उसकी संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने के लिए साधारण सा तरीका है पहचान करने का कि जो वह है जो आता वर्ण है उसके बाद में वह है, और ऐसा वर्ण तभी आता है जब हम यण संधि का प्रयोग करते हैं। और यण संधि में जो ईश्वर है उसका यह बनता है, ऊ का वह बनता है,
का अर बनता है, लृ का ल बनता है। अब इन चारों में से हमें सब जानना है। अब यहां वह बना हुआ है जो भी हलंत आएगा, तो यहां वह बना है ऊ का, तो जो तो स्वर है वह न में जोड़ते ही अनु शब्द आ जाएगा, और यहां पूर्व पद हो जाएगा अनु। उसके बाद में जो वह है वह हलंता, अब इसमें व में वह प्लस आ, इस प्रकार से वर्ण अलग हो जाएगा और स्वर को अलग कर दो। ऐसा करने से जो इसमें उत्तर पद आएगा वह आकार होगा। तो यहां अनु प्लस आकार दोनों पदों को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और अलग करते ही अनु आ गया पूर्व पद और आकार आएगा उत्तर पद। अब इसका हम आसानी से समास पूरे कर सकते हैं। तो जो आकार है उसकी विभक्ति आएगी षष्ठी और आकार से पश्चात इति। इस प्रकार से कोई सा भी शब्द हो अपने पास उसका हम आसानी से विग्रह कर सकते हैं। समझ में ये है कि किस प्रकार से शब्दों को अलग करके संधि का प्रयोग करके सबको अलग अलग करके हम विग्रह आसानी से कर सकते हैं। यह है केवल एक तरह की समझने की शक्ति होती है। समझो, शब्द को देखो और शब्द को अलग करो। अलग करते ही उसमें जो पूर्ण पद होगा उसको अलग करो, उत्तर पद को अलग करो, उसके बाद में विग्रह कर सकते हैं। जैसे दूसरा अन्वय, अन्वय शब्द में पहचान वही है कि यहां हनंत वर्ण के बाद में वह आ रहा है और वह बनता है उका, जो उस वर्ण है वह न में जोड़ते ही इसमें आ जाएगा अनु। अब यहां वह हनंत आता है तो इसमें बच जाएगा ए और यहां बच जाएगा ए, तो यहां अयच्चे पश्चात इति। यहां अयच्चे की जगह हम दो शब्द कर सकते हैं क्योंकि इसका मूल शब्द है इदम, मूल शब्द है इदम, और इदम शब्द सर्वनाम शब्द है जिसकी षष्ठी विभक्ति एकवचन में हमेशा अस्य आता है। तो इसी अयच्य की जगह अगर हम अस्य करेंगे तो वह शब्द एकदम शुद्ध होगा और व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध होता है। तो यहां अस्य या तो ऐसे कर दो या अस्य कर दो। अब इसी चैप्टर में शब्द में किसी प्रकार की समस्या किसी भी विद्यार्थी को नहीं आनी चाहिए। अगर आपको शब्द रूप उसके साथ साथ उनके अर्थ और अवयव याद हैं तो आसानी से हम उसका विग्रह कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछते हैं उस समय विग्रह किया हुआ आता है, ये विग्रह किया हुआ है, विग्रह किया हुआ आता है तो उसमें हमको सामासिक पद बताना पड़ता है। एक आता है विग्रह करने वाला और एक आता है सामासिक पद वाला। इसमें यह तो है सामासिक पद और यह है इसका विग्रह किया हुआ। अगर यहां जैसे विग्रह किया हुआ है चरस से
और यहां जो अर्थ दे रखा है पीछे, इसी पीछे शब्द के स्थान पर हमने जोड़ा है पश्चात, और ऐसा करने पर हमें स्वतः ही पता चल जाएगा कि जो पश्चात शब्द है यह अनु में आता है। और यहां इस प्रकार जो पूर्व पद होगा वह अनु होगा, क्योंकि जो पश्चात शब्द है वह पश्चात अनु के लिए आता है। उसके बाद में जो विभक्ति है उसकी प्रथमा बना लेंगे, और प्रथमा बनते ही यहां आ जाएगा चर। इस प्रकार से शब्द बन गया अनुचर, और अनुचर एक सामासिक पद है, यह हो गया सामासिक पद। इस प्रकार से समास विग्रह भी हो सकता है, और समास विग्रह किए हुए शब्द का हम वापस सामासिक पद बना सकते हैं। जैसे नंबर दो पर ये भी एक विग्रह पद है, और विग्रह पद में हम वापस से सामासिक पद का प्रयोग करेंगे। तरीका वही है कि जो पश्चात शब्द है वह केवल पीछे के लिए आता है, जो साफ साफ यहां लिखा हुआ है। अगर इस शब्द के स्थान पर पश्चात आता है, और पश्चात आता है हमेशा अनु के लिए, तो सबसे पहले यहां अनु का प्रयोग करेंगे। दूसरा, जो विभक्ति षष्ठ देर की है उस षष्ठी विभक्ति को हम प्रथमा में चेंज कर देंगे, और प्रथमा में जो पद होता है वह आएगा रथ। इस प्रकार से अनुरथ शब्द बन गया। इस प्रकार से जो अनु का है, अनु शब्द का है, वो इस प्रकार से पहचान सकते हैं, और इसी प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। विग्रह के पद का हम वापस से सामासिक पद बना सकते हैं।